Hello children, in this video we will be attempting to make a still life which comprises of a pomegranate and a lemon. तो still life का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आप सामने रखते हैं वो हिलनी नहीं चाहिए, चाहे वो लाइव हो जैसे ये फ्रूट्स है या वो नॉन लिविंग भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक शीट लगा के एक आर्टिफिशियल बैकग्राउंड भी तैयार किया हुआ है, सो दैट वो कॉन्ट्रास्ट उसमें हमें दिखे और जो लाइट और शेडो है वो दोनों भी आप फ्रूट्स के ऊपर देख सकते हैं। सेकंड पार्ट ये पैलेट है जिसके अंदर बेसिक कलर्स मैंने रखे हुए सारे, जो पोस्टर कलर में आपको हमेशा मिलेंगे, लेमन येलो, क्रोम येलो, येलो ऑकर, दिस इज़ ब्लैक, प्रशियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, दिस इज़ पोस्टर रेड, दिस इज़ वर्मिलियन रेड, दिस इज़ पोस्टर रेड और ये ब्राउन। और इन्हीं कलर्स को वाइट और ब्लैक के साथ मिला के ही हमें करना है। तो विल स्टार्ट विद द डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं दो ब्रशेस यूज़ करूँगा, ये फ्लैट ब्रश है 8 नंबर का और एक छोटा ब्रश है राउंड 4 नंबर का। ये दोनों ब्रश हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा ब्रशेस लेके काम नहीं करना है इस वक्त। सबसे पहले हम ड्राइंग करेंगे इसकी। ड्राइंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो सेंटर में आ जाए, सेंटर या सेंटर से थोड़ा नीचे। गिवन स्पेस के अकॉर्डिंगली आपको तय करना होता है, यू हैव टू डिसाइड कि कितना बड़ा फ्रूट आपको बनाना है। इतना बड़ा बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, छोटा बनाओगे तो अच्छा लग सकता है लेकिन फिर उसमें आपको कलरिंग करने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो एक मीडियम साइज़ का ड्राइंग आपको करना है। और ये पोमोग्रेनेट आप इस वक्त देख सकते हैं वो बहुत गोल नहीं है, वो गोल लग रहा है लेकिन वो थोड़ा सूख रहा है। तो क्या हो रहा है, उसका शेप जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मुझे दिख रहा है। तो ये शेप मैं बना के थोड़ा सा ऊपर, ये सेंटर से आ रहा है, ये पोर्शन अगर आप देख रहे हो तो ये सेंटर से आ रहा है। तो ये पोर्शन मैंने मार्क किया और इसको जस्ट ओवरलैप करता हुआ ये लेमन, थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। अब इसके बाद हमें जो नज़र आ रहा है वो है पीछे की लाइन। ये ड्राइंग है, ड्राइंग में ज़्यादा डिटेलिंग हम करेंगे नहीं, हल्के फुल्के लाइंस में हटा रहा हूँ जिनका यूज़ नहीं है। थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ ड्राइंग को ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। वैसे तो आई डोंट एडवाइज यू डार्क ड्राइंग करने का ज़रूरत नहीं है, लाइट होनी चाहिए ड्राइंग, बिकॉज ये लाइंस जो है वो कलर से ओवरलैप हो जाती है हमेशा। दिस इज़ इट, ये मेरा लेमन है, ये मेरा पीछे से ये हो गया और ये मेरा एसेंशियली फ्रेम है, जो विंडो है जो मैं देख रहा हूँ, पूरी शीट को मैं कंसिडर नहीं कर रहा। तो स्टार्ट करते वक्त मैं आपको कलर भी दिखा रहा हूँ, क्या कलर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मैंने वाइट कलर लिया और ये जो वर्मिलियन रेड है, जो कलर इसके साथ मैच हो रहा है वो कलर मैं ले रहा हूँ पहले। थोड़ा सा वाइट मिलाया इसमें और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं एक मिडिल टोन, आप इसको मिडिल टोन ही कहेंगे, बिकॉज टेक्निक सबसे बढ़िया क्या है कि आप पहले मिडिल टोन लगाइए और उसके ऊपर लाइट टोन्स और उसी के ऊपर डार्क टोन्स आप फिर लगाते जाइए। तो ये मिडिल टोन मैं अप्लाई कर रहा हूँ वर्मिलियन रेड और वाइट को मिला के। थोड़ा कलर सूखा ही रखना है हमने, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पानी से ये गीला हो जाएगा और टाइम लगेगा सूखने में, सूखा कलर जो है तुरंत सूख जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब तक ये कलर सूखता है हम क्विकली लेमन जो है उसका कलर बनाएंगे, जो लेमन येलो है। तो मैं ये लेमन येलो ले रहा हूँ, ये लेमन येलो है, इसका भी ये मिडिल टोन हो गया एक तरह से, लेमन येलो का लेमन जो है उसका मिडिल टोन हो गया लेमन येलो। तो मैं सीधा इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी।
कि मैंने एक अच्छा खासा कोट लगा दिया। अब जब तक ये दोनों कलर सूखेंगे, व्हाट वी कैन डू इज हम थोड़ा बैकग्राउंड पे काम करेंगे। जो ग्रे आप देख सकते हैं वहाँ पे, वो ग्रे जो है प्योरली ब्लैक से नहीं बना है, उसमें मैं ब्लू ये मिला रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा ब्लूइश ग्रे है, तो ये ब्लू मिला रहा हूँ मैं, और ब्लू में थोड़ा सा वाइट मिला रहा हूँ। ये वाइट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मिला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जो पेपर में कलर था लगभग वही कलर यहाँ पे बन गया। और नीचे वाला एरिया है क्योंकि वो थोड़ा सा एंगल, ये वाला उसका जो एंगल है वो थोड़ा सा लाइट को एक्सपोज्ड ज़्यादा है, जिस प्रकार वो बेंड हुआ है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे लाइट कलर, लाइट ग्रे कलर अप्लाई कर रहा हूँ। ब्रश से ही आप इसकी लाइन ड्राइंग क्लियर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा कलर सूखता है तो लाइट हो जाता है, जब हम फ्रेश कलर लगाते हैं जिसमें पानी का कंटेंट रहता है तो वो थोड़ा सा डार्क लगता है हमेशा। तो यू कैन सी जहाँ जहाँ कलर सूखा वो तुरंत हल्का सा लाइट हो गया। तो ये मैंने लेमन का कलर नीचे लगा दिया, अब ऊपर हमें थोड़ा सा डार्क करना है, तो मैं ब्लू और ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा मिला रहा हूँ इसमें, इसी ग्रे में बना रहा हूँ बल्कि। ये देखिए थोड़ा एक टच डार्क है। आप कलर भी कैसे बन रहे हैं ये भी मैं दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, क्योंकि जो कलर आपको दिखते हैं हमेशा वो कभी भी रेडीमेड आपके पास होंगे नहीं, आपको उनको बनाना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी कलर मीडियम यूज़ करते हो, ऑयल पेस्टल हो गया, पेंसिल कलर, वाटर कलर्स, वो आपको बनाना ही पड़ेगा हमेशा। आप चाहे तो थोड़ा सा बोर्ड घुमा भी सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि एंगल्स आपको ऑड मिलते हैं हाथ में, तो आप उसको बोर्ड को घुमा दीजिए इस तरीके से, तो क्या होगा, कंफर्टेबल रहेगा। ये देखो अब मेरा भी हाथ थोड़ा खुल के चल रहा है, अब इसको बैकग्राउंड को करने से क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं पहले वाइट कलर में हम वो देख रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हमें सीधा जो एक्चुअल उसका सामने जो हमने स्टिल लाइफ सेटअप की है, एक्चुअल उसका कलर दिखने से हमें वो अच्छे से आइडिया आता है लाइट और शेडो जो है ना वो कैसे पड़ी हुई है, और उसी अकॉर्डिंगली जैसे हमें दिख रहा है आँखों से हम विजुअली देख पा रहे हैं, वैसे ही हम इस कलर को बना पाएंगे। नहीं तो वाइट बैकग्राउंड अगर होगा तो हम कलर तो बना लेंगे, लेकिन हमें उतना अच्छे से वो रिजेंबल नहीं करेगा। फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैव टू डू इज थोड़ा बैकग्राउंड साथ साथ पहले कर दीजिए। तो ये मैंने मोटा मोटा दो टोन्स बना दिए ग्रे के, दोनों में थोड़ा सा अंतर आप देख सकते हैं। ये देखिए अब हमें ये लगभग वैसे ही दिख रहा है जैसे हमारा सामने है, इफ़ यू कैन सी, ये देखो लगभग वैसे दिख रहा है जैसे सामने है। ओके तो अब हमें जो दूसरे कलर्स हैं उनको देखना है, हमें ब्रश को धो लेता हूँ। कुछ टेक्निक्स है जो मैं बताता जाऊँगा आपको, काम करते हुए आपको ध्यान रखनी है, जैसे ब्रश को थोड़ा सा ड्राई रखना, आपको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। सबसे पहले हम जो पोमेग्रेनेट है उसका काम करेंगे। अब हमने ये टोन बनाया था, अब हम उसी टोन को थोड़ा सा और लाइट करेंगे, उसी में हम थोड़ा लाइट करेंगे, बिकॉज आप ये पोर्शन देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइट है, तो वो पोर्शन लाइट करने के लिए उसी वाइट कलर में वाइट मिलाया मैंने, और थोड़ा सा ब्रश को देखिए मैं कपड़े पे सुखा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ज़्यादा गीला कलर नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके पीछे से जो मुझे टोन्स दिखाई दे रहे हैं वो मैं पहले लगा रहा हूँ, ये
ये टोन्स हो गया। अब इन्हीं टोन्स को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रोक्स जैसे एप्लीकेशन कर रहा हूँ शेडिंग में जैसे हम करते हैं, और नीचे की तरफ मोड़ रहा हूँ, जस्ट बेंडिंग देम डाउनवर्ड्स, बिकॉज उनका आकार जो है फ्रूट का उसी के हिसाब से वो नीचे दिखेंगे आपको। देखो थोड़ा ड्राई ब्रश है, देखो कलर बहुत ज़्यादा चिपक नहीं रहा है सरफेस से, जैसे जैसे आप ब्रश की हैंडलिंग कर रहे हो हल्के से उतना ही वो कलर नीचे लग रहा है। ड्राई ब्रश पानी कम, ये देखिए कहीं कहीं पे यहाँ पे वो कलर दिख रहा है, बिट्स एंड पीसेस में तो हम उस हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, यहाँ पे भी मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कहीं कहीं पे स्कैटर्ड है, तो हम थोड़ा सा इसी से स्ट्रोक्स इस तरीके से बना सकते हैं। टेक्सचर जो हमें विजुअल टेक्सचर जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसा टेक्सचर जो फील नहीं होता बट हम आंखों से देख सकते हैं उसको, देखो वो टेक्सचर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वो हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे भी थोड़ा सा लाइटर टोन में जाएंगे हम, बिकॉज कहीं कहीं जगह आप देख सकते हैं कि इससे भी लाइट है और उसमें थोड़ा येलो कलर मुझे झलक रहा है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज लिटिल बिट ऑफ लेमन येलो आई एम मिक्सिंग विद दिस, ये कलर है आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे येलो के थोड़े से ट्रेसेस हमें दिख रहे हैं, तो हम वो ट्रेसेस को थोड़ा सा लगाएंगे, थोड़ा ब्रश को सुखाइए तो वो देखो अच्छे से स्ट्रोक्स आपके आ जाते हैं, पैच नहीं बनना चाहिए, ये लाइन थोड़ी सी मुझे ऐसे ऐसे नीचे जाती दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा फिंगर से इसको डैप करेंगे तो कलर आप देखिए बहुत अच्छे से बैकग्राउंड के साथ मिक्स जाए, ब्लेंड हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसी में थोड़ा सा जो डार्क टोन्स है, अभी हम यहाँ डार्क देख रहे हैं डार्क, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू मूव टू दिस डार्कर रेड, ये थोड़ा सा डार्क है, पहले तो मैं सीधा यही कलर लगा रहा हूँ बिकॉज मुझे यही कलर वहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा ड्राई किया कलर ब्रश को और यहाँ से हम उसके स्ट्रोक्स बना रहे हैं। सबसे नीचे तो ऑब्वियसली डार्क होगा, तो हम नीचे से डार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये थोड़े से कलर के ट्रेसेस हर जगह दिख रहे हैं, तो मैं उन्हीं को कर, अब ये ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है वहाँ इतना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा इसको फिंगर से स्मच करेंगे तो देखिए ब्लेंड हो जाएगा, ये ब्लेंड हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसी वक्त करना पड़ेगा क्योंकि कलर सूख जाएगा, फिर आपको पानी लगाना पड़ेगा, ब्लेंड होगा, पोस्टर कलर हमेशा मिक्स हो जाते हैं। अब देखिए ब्रश और थोड़ा मेरा सूख गया हाथ में, तो अच्छे से मैं ये कलर लगा पा रहा हूँ, टेक्सचर भी आ रहा है जो उस फ्रूट के ऊपर आपको महसूस हो रहा है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे ये जो बोल्ड पैच है इसको करेंगे, दिस इज़ प्योर इंडियन रेड, इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं, आगे मिलाऊंगा मैं क्योंकि मुझे कहीं पे इस कलर को भी थोड़ा डार्क तो करना पड़ेगा, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेसेस यहाँ पे टेक्सचर के हियर एंड देयर, जैसे आपको दिखता है वैसे आपको बनाने की कोशिश करनी है। ये रहा थोड़ा सा यहाँ पे भी वो दिख रहा है, ये आई थिंक दिस इज़ इनफ। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे काम करेंगे, इसके लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग द स्मॉल ब्रश, और ये कलर अगर आप देख रहे हो इट इज़ लिटिल बिट ऑफ येलो ऑकर एंड ब्राउन, येलो ऑकर और ब्राउन है, थोड़ा बहुत उसके अंदर ग्रीन भी है, तो ये तीन कलर मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने ये प्लेन कलर अप्लाई कर रहा हूँ सबसे पहले, ये मैंने कलर अप्लाई किया। अब इसी कलर में मुझे थोड़े से डार्कर टोन बनाने हैं, तो मैं थोड़ा ब्राउन ज़्यादा मिक्स करूँगा और हल्का सा हिंट ऑफ ब्लैक उसके अंदर डालूँगा, ये रहा, तो ये वो कलर बन गया जो वहाँ पे
नज़र आ रहा है। अब इसी को ड्राई ब्रश लेके मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसका पीछे वाला हिस्सा है जो डार्क दिख रहा है हमें, उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। फिर मैं दोबारा यहाँ पे आउटर साइड में एक है, ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े फोल्ड हो चुके हैं एरियाज, इसीलिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब नाउ यू कैन सी सम लाइंस यहाँ पे, तो व्हाट दोज लाइंस जो है वो आपको बनाने हैं। थोड़ा सा नीचे एरिया में भी शेडो पड़ रही है वो। अब इसको हमको थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा, तो मिक्स करने के लिए मैं इसी ब्रश को ले रहा हूँ और इसी ब्रश से मैं थोड़ा सा इसकी ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत शार्प लगेगा और फ्रूट का पार्ट लगेगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे की स्किन के साथ भी इसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मिक्स हो जाए, ताकि मिक्स हो जाएगा। अब इसमें और भी डार्क टोन मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं सीधा इस ब्लैक को उसी ब्राउन में मिला के और डार्क कर रहा हूँ ये। ये और एक जगह यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और थोड़ा सा डार्क एरिया यहाँ बैक साइड में भी थोड़ा झलक रहा है सॉरी थोड़ा सा झलक रहा है यहाँ पे भी। तो आई थिंक इतना ही है, और हम अब थोड़ा सा डेट पार्ट इज़ ऑलमोस्ट डन। अब मैं जो रेड कलर था मेरा जिसके मैं बात कर रहा था, ये रेड जो पोस्टर रेड, उसको मैं थोड़ा डार्क, इस कलर को मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा। ये देखिए थोड़ा ब्लैक में मिला रहा हूँ इसमें, सो दैट ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ये यहाँ पे मुझे लगाना है, यहाँ मुझे लगाना है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डार्कर नज़र आ रहा है, तो उसी को थोड़ा सा ब्रश ड्राई किया कपड़े में और नीचे की जगह पे यहाँ पे उसको थोड़ा सा मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यू कैन सी थोड़ा सा कलर में फ़र्क आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे भी और थोड़ा सा यहाँ पे, बस इनफ है। और अब मैं थोड़ा सा लाइट कलर लेके हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ। ये वाइट कलर लिया मैंने, इसी कलर में थोड़े से वाइट पे थोड़ा सा रेड मिलाया मैंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइलाइट चमक नहीं रही है, तो मैं जहाँ जहाँ मुझे वो हाइलाइट्स दिख रही है वहाँ वहाँ पे मैं उसको लगा रहा हूँ। ये देखिए दीज आर द हाइलाइट्स विच आई कैन सी। एक दो जगह और है, इनको हल्का सा मैं फिंगर से थोड़ा सा डैप करूँगा। आई थिंक माई पोमोग्रेनेट इज ऑलमोस्ट डन। नाउ विल कम टू द लेमन। तो लेमन को करने के लिए हमने पहले लेमन कलर लगाया था, लेमन येलो। अब हम थोड़ा सा क्रोम येलो लगाएंगे। सीधा मैं क्रोम येलो की तरफ जा रहा हूँ, ये क्रोम येलो की तरफ जा रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा लेमन येलो से डार्कर टोन होता है। लेमन येलो की कहीं पे भी शेडो पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो क्रोम येलो कलर में ही दिखेगी। ये मैं नीचे से इसको मिक्स करता हुआ आ रहा हूँ। अब थोड़ा ब्रश को सुखाया और ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रोक्स लगाए ताकि वो मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए। दोबारा अगर मैं थोड़ा सा लेमन येलो लूँ तो क्या होगा, ये कलर इसके साथ मिक्स होके अच्छे से ये ब्लेंडिंग हो जाएगी। ये देखिए ब्लेंडिंग होगी। अब इसमें मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा शेडो लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ये जो कलर बनाया था ये मैं इसके अंदर मिलाऊंगा क्रोमेलो में, ये कलर। तो आप देखिए कलर थोड़ा सा एक पेल डार्कर हो गया, तो इस कलर को मुझे नीचे लगाना पड़ेगा। ये जो सबसे नीचे वाला एरिया है ये यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ, तो आप देखिए थोड़ा सा डार्कर टोन मुझे मिल रहा है वहाँ का। दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन विच आई एम एडिंग।
ये अब आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा डार्क टोन जो है, आई एम ऑलमोस्ट डन। तो मुझे थोड़ा सा अभी ये जो सामने पैच नज़र आ रहा है ये पैच बनाना है। मैंने वही ब्राउन लिया जो ऑलरेडी मिक्स हुआ पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप डैप करेंगे डार्क हो जाएगा, और इसी में थोड़ा सा डार्क ब्राउन है जो आगे इस तरीके से नज़र आ रहा है, और इसके बीच में अगर आप देखोगे हल्का सा लाइट टोन का पैच है, तो मैं थोड़ा वाइट और येलो, ये येलो मिला रहा हूँ क्योंकि वो लेमन येलो वाला नहीं है, थोड़ा डल हो गया है, एक डॉट है बस, आप देख सकते हो उसमें भी हल्का सा डॉट यहाँ पे दिख रहा है बस। और अब कहीं कहीं पे यू कैन क्लियरली सी कि ब्राउन कलर के पैचेस इस लेमन के ऊपर हमें दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं, तो उन डॉट्स को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे दिख रहे हैं वो वैसे वैसे मैं उनको कर रहा हूँ। इनफ। अब मुझे थोड़ा सा वाइट कलर लेना है फ्रेश, क्योंकि लेमन की हाईलाइट मुझे देनी होगी, तो लेमन की हाईलाइट दे रहा हूँ। ये वाइट कलर लिया फ्रेश, और जो यहाँ पे हल्का सा आप उसमें लेमन येलो मिला दीजिए, और यहाँ पे ये इस तरीके से हाईलाइट इसकी नज़र आ रही है। और थोड़ा सा उसी हाईलाइट को मैं हल्का सा यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ये हो गया, दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। अब हमें दोबारा से बैकग्राउंड ले करना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से वाइट कलर ले रहा हूँ और उसी डार्क कलर में थोड़ा सा उसको मिक्स कर रहा हूँ, यू कैन सी। तो पहले जो मैंने किया था मैं उससे हल्का सा इसको डार्कर से थोड़ा सा लाइट करूँगा। कहीं कहीं पे नीचे से कलर आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ ये कॉम्प्लीमेंट करने वाला ही कलर है, उसी का टोन है, तो आप उसको हल्के फुल्के स्ट्रोक्स देके छोड़ सकते हैं, अच्छा लगेगा बल्कि। तो ये मैं यहाँ पे लेमन थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बैक साइड में अगर आप देखते हो थोड़ा सा यहाँ पे फिनिश्ड होना ज़रूरी है, यहाँ फिनिश होना ज़रूरी है, मैं थोड़ा सा इसको फिनिश कर रहा हूँ। आप ये छोटे वाले ब्रश से भी कर सकते हैं, अच्छे से होगा। दिस यू कैन डू विद द स्मॉल ब्रश। ये ओके, डन ऑलमोस्ट। अब मुझे ऊपर का डार्क टोन जो है उसके बारे में देखना है, उसमें मैं क्या करूँगा, ये ऑलरेडी डार्क है तो उसी में मैं थोड़े से लाइट कलर के स्ट्रोक्स लगाऊंगा। आई एम टेकिंग प्रशियन ब्लू, थोड़ा सा इसको डार्क भी रखेगा। ये देखिए इस कलर से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, और मैं थोड़ा सा प्रशियन ब्लू के स्ट्रोक्स यहाँ पे दूंगा। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक ना हो गया हो, हो गया। ये कलर आप थोड़ा सा स्कैटर करके पीछे मिक्स करके छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको इस तरह से घुमाऊं तो बेटर एंगल है कलर करने के लिए मेरे लिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस कलर को लगाता हुआ आऊँगा। ये अब ये देखिए आप इसके साथ मिक्स हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस, थोड़ा सा लाइट कलर ले रहा हूँ मैं ग्रे का, जो नीचे ऑलमोस्ट हमने किया है,
और जब मैं वो कलर यहाँ अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमने ये डार्क किए थे पोमोग्रेनेट के ऊपर का हिस्सा जो है, जो मैं हमने डार्क किए थे, वो थोड़ा सा लाइट होके इसमें से झांकने लगेगा, दिखने लगेगा। ये देखिए, नाउ यू कैन सी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट पैदा हो गया, ऑलमोस्ट थोड़े से शेड जो है, शेडो मुझे वो करनी है, जो शेडो दिख रहे हैं यहाँ पे वो मुझे करनी है। तो शेडो करने के लिए मैं दोबारा फ्लैट ब्रश ब्रश ले रहा हूँ और थोड़ा सा ब्लैक यूज़ करूँगा, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक यहाँ ब्लू में मिक्स है। देखो फ्रेश कलर बहुत कम यूज़ किए हैं मैंने, सारे कलर में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कलर मिक्स्ड है। तो ये पोर्शंस है वो जो शेडो कास्ट हो रही है, और वो शेडो थोड़ी डिफ्यूज है, इट्स नॉट अ शार्प शेडो जो सनलाइट से बाहर से पड़ती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो मैं ब्लेंड करूँगा। अभी पहले मैं उसको लगा रहा हूँ उन एरियाज में जहाँ जहाँ मुझे वो नज़र आ रहे हैं, ये एरियाज है। इसकी शेडो थोड़ी बड़ी है, ओके। अब मैंने ये लगा दिया तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रश को थोड़ा सा साफ़ किया, कपड़े में बिल्कुल ड्राई किया, और इसको मैं, बिकॉज़ ये कलर गीला है तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से ये बैकग्राउंड के साथ शेडोज़ मिक्स हो रही है। थोड़ा पानी लगा दीजिए, साफ़ कीजिए कपड़े से और इसको ब्लेंड कीजिए। ये काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो नाउ यू कैन सी कि मैंने ये पूरा काम कंप्लीट किया और उसको क्रॉप भी किया, जो एक्स्ट्रा पेपर थे वो निकाल दिए। तो कैसे इसे वो रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, थैंक यू।